लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई गणेश उत्सव की परंपरा बीते कई सालों से चली आ रही है। इसी बीच दहेकर परिवार के घर भी ये परंपरा बीते 50 सालों से चली आ रही है। जिस संबंध में ग्रीन सिटी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के संचालक सुरेश दहेकर ने अधिक जानकारी साझा की। गणेश उत्सव की खुशी हर किसी में देखी जाती है। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई यह प्रथा लोगों की यहाँ कई वर्षों से चली आ रही है। ऐसे एक दहेकर परिवार की यहाँ बीते 50 सालों से यह प्रथा चली आ रही है। इस संबंध में ग्रीन सिटी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुरेश दहेकर ने अधिक जानकारी साझा की। दर वर्षी प्रमाणे आमच्या दहेकर परिवार तर्फे या धनगावी नगर मध्ये आमचं निवासस्थान आहे, या ठिकाणी गणपतीची आम्ही स्थापना केली आहे। या स्थापनेला 50 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि या 50 वर्षाच्या काळामध्ये आम्ही गणपतीनिमित्त विविध कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करत असतो, जसं भजन कीर्तन आणि भोजनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करत असतो। बरेचसे लोक 400 ते 500 लोक या ठिकाणी आम्ही या आमंत्रित करत असतो। या दिवशी या ठिकाणी मित्र मंडळी आणि नातेवाईक तसेच नेते मंडळी या ठिकाणी आज उपस्थित होणार आहेत। माननीय कृपालजी तुमाने खासदार रामटेक क्षेत्र, तसेच मोहनजी मते आमदार, तसेच अभिजीत वंजारी आमदार, सुधाकररावजी कोवे नगरसेवक, भगवानजी मेंढे, सतीशजी होले असे बरेचसे या ठिकाणी आज उपस्थित होणार आहेत। तिला अशी प्रार्थना करतो की या कोरोनाच्या संकट काळामध्ये जे काही हानी झालेली आहेत, तसेच ह्या कोरोना सर्व लवकरात लवकर मुक्त हो अशी मी गणपती चरणी प्रार्थना करतो आणि सर्वांना सुख समृद्धी भाग्यशाली वैभवशाली ठेवो अशी गणपती चरणी प्रार्थना करून। इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव के अवसर पर उनकी ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिस दौरान रिश्तेदार मित्र परिवार समेत अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित होते हैं। इस श्रृंखला में सांसद कृपाल तुमानी समेत अन्य लोग भी उनके यहाँ पधारे थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।